हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 11 विद्युत पर। आज के इस टॉपिक में हम ये विद्युत से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो पहले से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सारे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। टू दी पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उन चीज़ों को कवर करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है, समझिएगा, विद्युत के साथ है गैस और जल आपूर्ति GSDP में छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। देखिए, ये जो आपका विद्युत, जल आपूर्ति और गैस, ये जो है आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत काउंट होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में तीनों कंबाइंड रहते हैं, विद्युत, जल आपूर्ति और आपका गैस। ठीक, तो देखिए, ये जो आपका छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विद्युत, गैस और जल आपूर्ति इस क्षेत्र की जो भागीदारी है वो अनुमानित है आपका 8.56%, 8.56%। बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, ठीक, इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में भागीदारी कितना प्रतिशत है आपका, 8.56%। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल PSC और व्यापम दोनों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को आपका, 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। उसके 15 दिन बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन हुआ, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, अब देखिए, ये जो अब आगे जो बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझते चलिएगा। क्या लिखा हुआ है, देखिए, स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता, छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता, यहाँ क्या बोल रहा है, स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता। देखिए, हमारे जो प्रदेश है उसमें आपके जो राज्य सरकार के भी उपक्रम मौजूद है, केंद्र सरकार के भी उपक्रम मौजूद है। केंद्र सरकार के उपक्रम जैसे NTPC, ठीक, राज्य सरकार के उपक्रम जैसे आपका कोरबा 1, कोरबा 2, कोरबा 3, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, मंडवा ताप विद्युत संयंत्र, ये आपके राज्य सरकार के उपक्रम है। ठीक, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है आपकी स्वयं की, प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है नवंबर 2018 तक की स्थिति में, समझिएगा। देखिए, तापीय विद्युत क्षमता नवंबर 2018 तक की स्थिति में प्रदेश की जो तापीय विद्युत क्षमता है वो है आपका 3280 मेगावाट। ठीक, जलीय विद्युत क्षमता है प्रदेश की 138.70 मेगावाट, 138.70 मेगावाट। ठीक, और तीसरे नंबर पर है आपका अन्य के अंतर्गत आपका काउंट होता है भोरमदेव सह उत्पाद, इसे समझिएगा। भोरमदेव सह उत्पाद जिसमें जिसका जो क्षमता है वो है आपका 6 मेगावाट। यदि हम तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल होता है आपका 24.70 मेगावाट, समझिएगा। देखिए, नवंबर 2018 तक की स्थिति में प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है, देखिए, प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता है वो है आपका 24.70 मेगावाट, जिसमें तापीय विद्युत क्षमता है प्रदेश की वो है आपका 3280 मेगावाट, जलीय विद्युत क्षमता है 138.70 मेगावाट और आपका अन्य यानी जो आपके सह उत्पाद है वो है आपका 6 मेगावाट। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यदि प्रश्न पूछा गया कि प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है तो वो है आपका 3280 मेगावाट। नेक्स्ट, अब समझिएगा, अगर प्रश्न घुमाना हुआ तो किस प्रकार से घुमा सकता है। देखिए, राज्य निर्माण के समय हमारा जो प्रदेश है, प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी, प्रदेश की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी, यानी नवंबर 2000, जैसे मैंने बताया 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तो उस समय जो प्रदेश की जो स्थापित विद्युत क्षमता थी वो थी आपकी 1360 मेगावाट। प्रदेश की स्थापित विद्युत क्षमता थी आपकी 1360 मेगावाट, जबकि वर्तमान में यानी 18 वर्षों में, यानी नवंबर 2018 तक की स्थिति में, समझिएगा, नवंबर 2018 तक की स्थिति में यानी 18 वर्षों में, या कहा जाए अभी वर्तमान में प्रदेश की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी हो गई है, वो हो गई है आपकी 24.70 मेगावाट। यदि देखा जाए तो जब से राज्य का गठन हुआ है, राज्य के गठन से लेकर के वर्तमान तक, यानी पिछले 18 वर्षों में प्रदेश की स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा जाए प्रश्न में,
तो याद रखिएगा प्रदेश की स्थापित विद्युत क्षमता में आपका 152% की वृद्धि हुई है, 152% की वृद्धि हुई है, समझिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ था यानी नवंबर 2000 में, उस समय प्रदेश की जो स्थापित विद्युत क्षमता थी वो थी 1360 मेगावाट, वर्तमान में जो प्रदेश की स्थापित विद्युत क्षमता है वो है आपके 24.70 मेगावाट। यानी निर्माण से जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उस समय से लेकर के अभी तक प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा जाए तो याद रखिएगा 152% की वृद्धि हुई। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझिएगा ग्राम विद्युतीकरण। ग्राम विद्युतीकरण जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या कितनी है, ग्रामों की संख्या है 19,567 ग्राम मौजूद है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक, अब समझिएगा, अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम विद्युतीकरण का स्तर क्या है। समझिएगा यहां पे दो वित्तीय वर्ष के बारे में हम देख रहे हैं, एक है वित्तीय वर्ष 2017-18, दूसरा है 18-19। 17-18 और 18-19 समझिएगा, वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश में जो आपका जो जनगणना में आपके जो ग्रामों की संख्या थी 19567, तो इस 19567 ग्रामों में से आपका 19,535 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। ठीक, यदि परसेंटेज वाइज बात किया जाए तो यह है आपका 99.83%, यानी 99.83%। ठीक, देखिए अब जो समझाऊंगा उसको समझना, ये था आपका वित्तीय वर्ष 2017-18, अब है आपका वित्तीय वर्ष 2018-19। वित्तीय वर्ष 2018-19 देखिए, इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश में जो आपके जनगणना 2011 में जो आपके ग्रामों की संख्या थी 19567, तो 19567 में से पूरे के पूरे 19567 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। परसेंटेज वाइज बात किया जाए तो पूरे 100% ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, समझना, शत प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है वित्तीय वर्ष 2018-19 में। जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें दोनों आंकड़े दिए गए हैं, 17-18 के भी दिए गए हैं, 18-19 के भी दिए गए हैं। ठीक, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो आपका वित्तीय वर्ष 2017-18 है उसके अंत तक प्रदेश में जो आपके विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या थी वो थी आपकी 19,535 ग्राम। ठीक, अब देखिए बचे कितने ग्राम, ये 535 है, यहाँ है आपका 567, टोटल 32 ग्राम बचे, तो 32 ग्रामों को विद्युतीकरण किया गया आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के माध्यम से, यानी सौर ऊर्जा के माध्यम से उन बचे हुए 32 ग्रामों में आपकी विद्युत की पूर्ति कर दी गई। क्रेडा के माध्यम से वहाँ बचे हुए जो आपके गाँव थे वहाँ पर आपकी सौर ऊर्जा के माध्यम से वहाँ पर विद्युत की आपूर्ति की गई। इस प्रकार से आपकी ये वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमारे प्रदेश में शत प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है। प्रश्न किस प्रकार पूछ रहा है, ईयर कौन सा पूछ रहा है, ईयर को देख के लगाइएगा, 17-18 पूछा तो उसमें 19,535 है, यानी 99.83% विद्युतीकरण का स्तर था। अगर 18-19 पूछ रहा है तो 18-19 में 100% ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं 19,567। ठीक, देखिए नेक्स्ट है मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, यहाँ समझिएगा यहाँ क्या है, ताप, ठीक, थर्मल, ताप विद्युत संयंत्र। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र जिसकी स्थापना हुई थी आपकी वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 में इसकी स्थापना हुई, कहाँ पर हुई, जिला है आपका जांजगीर चांपा। इसकी क्षमता कितनी है, इसमें आपका 500 मेगावाट की दो यूनिट लगी है, यदि बात किया जाए तो इसकी कुल क्षमता है, इसकी कुल तापीय क्षमता है आपकी 1000 मेगावाट। ठीक, मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, ताप मतलब थर्मल, ताप विद्युत संयंत्र, समझना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तापीय क्षमता, यहाँ लिखा हुआ है कुल क्षमता। ठीक, तापीय क्षमता और कुल क्षमता, देखिए यहाँ हमने पढ़ा था प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है, 24.70 मेगावाट। तापीय क्षमता कितनी है, 3280 मेगावाट। देखिए मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना से पहले, यानी वर्ष 2016 से पहले, मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना से पहले प्रदेश की जो तापीय क्षमता थी वो थी आपकी 2280 मेगावाट।
मंडवा तेंदुघाटा तापविद्युत संयंत्र की स्थापना से पहले प्रदेश में जो आपकी जो इसकी तापीय क्षमता थी वो थी आपकी 2280 मेगावाट। देखिए 3280 भी वर्तमान में है, 2018 में है, लेकिन जब मंडवा तेंदुघाटा संयंत्र जब स्थापित नहीं हुआ था तो उस समय कितना था? देखिए 3280 में 1000 घटा देंगे तो कितना होता है आपका 2280 मेगावाट। ठीक, अब देखिए मंडवा तेंदुघाटा तापविद्युत संयंत्र की स्थापना के बाद यानी वर्ष 2016 के बाद 1000 मेगावाट का आपका ये ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। तो अब कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी हो गई? 3280 मेगावाट। कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी हो गई? 3280 मेगावाट। यानी समझिएगा, दो मंडवा तेंदुघाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात प्रदेश के तापीय विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई? समझना प्रश्न क्या बोल रहा हूं, उस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात प्रदेश के तापीय क्षमता में कितने प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई पूछा जाए तो याद रखिएगा 44% की अभिवृद्धि हुई तापीय विद्युत क्षमता में। ठीक, तापीय विद्युत क्षमता में 44% की वृद्धि हुई। अब समझिएगा कुल विद्युत क्षमता पहले यानी मंडवा तेंदुघाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना से पहले प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो थी आपकी 24.70 मेगावाट। फिर 2016 में मंडवा तेंदुघाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई जिसके पश्चात 1000 मेगावाट का आपका ये मंडवा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ। तो इस मंडवा तेंदुघाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात प्रदेश की जो कुल क्षमता हुई प्रदेश की कुल क्षमता कितनी हुई आपकी 34.70 मेगावाट। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात प्रदेश की कुल क्षमता में कुल स्थापित क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात प्रदेश की कुल क्षमता में कितने प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई तो याद रखिएगा 41.24% 41.24% की अभिवृद्धि हुई। दोनों प्रश्न बन सकते हैं, दोनों परसेंटेज को याद रखिएगा। नेक्स्ट, बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारी ये है क्या? देखिए इससे प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी, पहले समझ लीजिए ये प्रदेश है, प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ता कितने हैं? कुल, यहाँ बीपीएल कनेक्शन धारी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रदेश में जो आपके विद्युत या बिजली का जो उपयोग करते हैं तो प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ता कितने हैं वो है आपके 49.90 लाख यानी 49.90 लाख। ठीक, कब? वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की स्थिति में। अब समझिएगा बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारी, प्रदेश सरकार द्वारा जो बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारी है यानी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं उन्हें जो राज्य सरकार उन्हें 40 यूनिट तक बिजली बिल निशुल्क देती है, 40 यूनिट तक बिजली बिल निशुल्क देती है। यानी मान लीजिए अगर कोई एकल बत्ती कनेक्शन धारी है, बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसके यहाँ एकल बत्ती कनेक्शन लगा हुआ है तो और उसने मान लीजिए एक महीने में आपका उसने 60 यूनिट के आसपास उसने विद्युत का खपत किया तो उसमें से 60 यूनिट में से 40 यूनिट मुफ्त हो जाएगा, बचे हुए 20 यूनिट का उसे बिजली बिल देना पड़ेगा वर्तमान में चल रहे टैरिफ रेट के अनुसार। टैरिफ रेट क्या होता है, फ्लैट रेट क्या होता है, देखिए अभी इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए योजना का विस्तार, समझिएगा योजना का विस्तार मतलब प्रदेश सरकार ने एक नई योजना लाई थी, सहज बिजली बिल योजना। इस सहज बिजली बिल योजना के अंतर्गत टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट की व्यवस्था की गई। समझिएगा अगस्त 2018 में यह योजना आपका प्रदेश में लागू हुई, टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट। टैरिफ रेट मतलब आप सभी को मालूम होगा जो पर यूनिट जो डिपेंड करता है, जैसे जो आपके घरों में जो बिजली की खपत करते हैं उसमें पर यूनिट आपका 2.5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये विद्युत खपत के हिसाब से आपके जो विद्युत विभाग है वो चार्ज करता है। ठीक, तो ये जो टैरिफ ये कहलाता है आपका टैरिफ रेट। अगर इसी को यदि हम दुकानों में देखेंगे तो दुकानों में यही टैरिफ रेट बढ़ जाता है, अलग अलग टैरिफ रेट पर यूनिट की विद्युत खपत के हिसाब से एक टैरिफ रेट डिसाइड रहता है कि एक यूनिट विद्युत खपत का इतना रुपए आपको देना पड़ेगा, ये कहलाता टैरिफ रेट। तो गवर्नमेंट ने क्या लाया, टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट, किनके लिए, एकल बत्ती कनेक्शन धारियों के लिए। यानी देखिए मान लीजिए
अब ये जो आपका टैरिफ रेट है, टैरिफ रेट में अब एक जो एकल बत्ती कनेक्शन धारी है वो 60 यूनिट विद्युत का खपत करता है, 60 यूनिट में से 40 यूनिट गवर्नमेंट उसे फ्री कर देती है, बचे हुए 20 यूनिट का उसे पैसा लेती है। ठीक, तो चाहे तो जो एकल बत्ती कनेक्शन धारी है वो टैरिफ रेट भी ले सकता है, टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट भी ले सकता है, डिपेंड करेगा एकल बत्ती कनेक्शन धारी के ऊपर कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट को पे करेगा, टैरिफ रेट में करना चाहता है कि आपके फ्लैट रेट में करना चाहता है। किसी भी उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का कंपल्शन नहीं है कि वो किसी एक योजना का लाभ ले, या तो वो फ्लैट रेट से भी दे सकता है या टैरिफ रेट से भी दे सकता है। फ्लैट रेट क्या है? फ्लैट रेट के अंतर्गत जो आपका एकल बत्ती कनेक्शन धारी है उसे 100 रुपये मासिक देना पड़ेगा। बिजली विभाग को जो आपका एकल बत्ती कनेक्शन धारी है उन्हें 100 रुपये मासिक देना पड़ेगा, उसके एवज में वो कितनी भी विद्युत का खपत कर सकता है। 100 रुपये मासिक देने के, मासिक आपका भुगतान करने के एवज में एकल बत्ती कनेक्शन धारी कितनी भी विद्युत का खपत कर सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस योजना, इस योजना में टैरिफ रेट को लेना चाह रहा है कि फ्लैट रेट लेना चाह रहा है। तो याद रखिएगा, सहज बिजली बिल योजना के अंतर्गत एकल बत्ती कनेक्शन धारियों को 100 रुपये मासिक भुगतान पर आपका निःशुल्क विद्युत का, निःशुल्क आपके बिजली के उपयोग या बिजली के खपत करने की छूट दी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना ये प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को ये आपकी योजना लाई गई थी, कृषक जीवन ज्योति योजना। डेट पूछ चुका है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृषक जीवन ज्योति योजना कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को। उद्देश्य, कृषि पंपों के विद्युत खपत में छूट। किसानों को उनके कृषि पंपों के द्वारा जो विद्युत खपत होता है उसमें छूट देने के लिए इस योजना को लाया गया। समझिएगा, बिजली बिल में छूट, किस प्रकार का छूट मिलता है इसमें? अगर जो आपके 3 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप है, कृषि पंप जिनकी जो क्षमता है, जो उनकी जो पावर है वो आपकी 3 हॉर्स पावर, 3 अश्वशक्ति, 3 हॉर्स पावर की उसकी क्षमता है या कैपेसिटी है, तो उसे 6000 यूनिट प्रति वर्ष आपका बिजली में छूट मिलेगा। यानी जो आपके कृषि पंप है, कृषि पंप अगर एक किसान यूज कर रहा है कृषि पंप, तो उस कृषि पंप के द्वारा जो विद्युत का खपत है वो यदि 6000 यूनिट तक है तो उसमें उसे निशुल्क आपका उसको बिजली उन्हें प्रदान किया जाएगा, यानी उसमें बिजली बिल नहीं लगेगा। समझ लीजिए, देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए एक कृषि पंप है जिसने 1 साल में आपके 10000 यूनिट विद्युत का खपत किया, तो उस 10000 में से गवर्नमेंट 6000 यूनिट निःशुल्क कर देगी, यानी फ्री कर देगी, बचे हुए 4000 यूनिट पे उसे आपका बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका 3 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर, यानी 3 हॉर्स पावर से अधिक, 5 हॉर्स पावर से कम, 3 से 5 हॉर्स पावर के बीच में यदि कृषि पंप है तो उसमें 7500 यूनिट प्रति वर्ष आपका उसे बिजली में छूट मिलेगी। समझना, वैसे ही 10000 यूनिट साल में एक पंप के द्वारा 10000 यूनिट विद्युत खपत किया गया, उसमें से गवर्नमेंट ने 7500 विद्युत का जो है उसे निशुल्क कर दिया, 7500 यूनिट निशुल्क कर दिया, बचे हुए आपके 2500 यूनिट पे उसे आपका बिजली बिल देना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, 3 हॉर्स पावर में कितनी छूट दी जा रही है और 3 से 5 हॉर्स पावर में कितनी छूट दी जा रही है। 3 हॉर्स पावर में 6000 यूनिट प्रति वर्ष, प्रति माह नहीं है, 6000 यूनिट प्रति वर्ष, जबकि 3 से 5 हॉर्स पावर तक के पंपों पर आपके 7500 यूनिट प्रति वर्ष आपके बिजली में छूट प्रदान की जा रही है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, डाटा याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। नेक्स्ट, योजना का विस्तार समझिएगा। इसी कृषक जीवन ज्योति योजना जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, सहज बिजली बिल योजना, इस सहज बिजली बिल योजना का विस्तार आपके इस कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत भी किया गया। देखिए, सहज छत्तीसगढ़ सहज बिजली बिल योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना इसका पूरा नाम है। ठीक, देखिए ये लागू कब हुआ? जुलाई 2018। देखिए ये लागू हुआ था अगस्त 2018, उससे पहले ही लागू हो चुका था कृषक जीवन ज्योति के अंतर्गत सहज बिजली बिल योजना। सेम कॉन्सेप्ट है, टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट। ठीक, टैरिफ रेट के स्थान पर फ्लैट रेट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसे समझते चलिएगा। देखिए, क्षमता, पंपों की संख्या और फ्लैट रेट। देखिए, गवर्नमेंट किसी भी किसानों पर या किसी भी एकल बत्ती कनेक्शन धारियों पर ऐसे किसी भी प्रकार का, मतलब बाउंडेशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इस योजना का लाभ लें। चाहे किसान टैरिफ रेट, किसान या एकल बत्ती कनेक्शन धारी चाहे तो टैरिफ रेट के आधार पर भी बिजली बिल का भुगतान कर सकता है या फिर फ्लैट रेट के आधार पर भी बिजली बिल का भुगतान कर सकता है। ठीक, डिपेंड करता है उस उपभोक्ता के ऊपर। ठीक,
देखिए ये जो आपका इसमें कैसा होता है समझिएगा, छत्तीसगढ़ सहज बिजली बिल योजना कृषक जीवन ज्योति योजना, इसके अंतर्गत देखिए जो चीज़ बता रहा हूँ उसको केवल याद रखिएगा, समझाने जाऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा और उसको समझाने जाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा, काफ़ी ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, केवल आंकड़े को समझते चलिएगा, बताऊंगा कंफ्यूज कहां पर होंगे आप। देखिए 5 हॉर्स पावर या उससे कम, 5 हॉर्स पावर या उससे कम के आपके पहले और दूसरे पंप पर आपका 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह, ठीक एक ठोक समझा देता हूँ समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे 5 हॉर्स पावर तक का पंप है, 5 हॉर्स पावर तक के पंप या उससे कम उसके पहले और दूसरे पंप पर 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह, मतलब समझ लीजिए 5 हॉर्स पावर या उससे कम, मान लीजिए कोई एक 3 हॉर्स पावर का एक पंप है, 3 हॉर्स पावर का एक पंप है, तो वो जो 3 हॉर्स पावर का पंप है मान लीजिए एक किसान 1 हॉर्स पावर का एक पंप और 2 हॉर्स पावर का एक पंप, 1 और 2 कितना हो गया 3 हॉर्स पावर, यानी 1 हॉर्स पावर का एक पंप और 2 हॉर्स पावर का दो पंप, समझ रहे 1 हॉर्स पावर का एक पंप और 2 हॉर्स पावर का दो पंप, ये हो गया पहला और दूसरा पंप, टोटल कितना हो रहा है 3 हॉर्स पावर तक का पंप, तो इसमें क्या होगा उस किसान को 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा, यानी 3 हॉर्स पावर है तो 3 हॉर्स पावर में उसे आपका लगभग 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से उसे भुगतान करना पड़ेगा, ठीक ये एक जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आगे इसे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, जो टेबल बता रहा हूँ उस टेबल को याद कर लीजिए, एग्जाम में प्रश्न आया तो आपको ऑप्शन देकर टिक लगाना है, आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक। देखिए 5 हॉर्स पावर या उससे कम के प्रथम और द्वितीय पंप पर आपका 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह, प्रति हॉर्स पावर प्रति माह है, ठीक है। उसके बाद 5 हॉर्स पावर या उससे कम, 5 हॉर्स पावर या उससे कम के तीसरे चौथे या पांचवें पंप पर 300 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह, 300 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह ये भुगतान करना पड़ेगा, मतलब आप समझिएगा मान लीजिए एक किसान है, एक किसान जो 5 हॉर्स पावर तक का अपना एक 5 हॉर्स पावर तक के जो पंपों का उपयोग करता है, 5 हॉर्स पावर तक के पंपों पर मान लीजिए वो 1 हॉर्स पावर का एक पंप, 2 हॉर्स पावर का दूसरा पंप, फिर 1 हॉर्स पावर का एक पंप, 1 हॉर्स पावर का एक पंप, टोटल 4 पंप यूज़ करता है, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, कितना हो गया 5 हॉर्स पावर, तो ये पहले और दूसरे पंप पर उसे 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह की दर से देना पड़ेगा, और जो तीसरा और चौथा पंप है उस पे उसे 300 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह के दर से देना पड़ेगा, ठीक सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए 5 हॉर्स पावर या उससे अधिक के पंप पर, 5 हॉर्स पावर या उससे अधिक के पंप पर पहला और दूसरे पंप पर 200 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह है, 5 हॉर्स पावर या उससे अधिक के पंप के अधिक के जो क्षमता वाले जो पंप है उसके तीसरे या चौथे पंप पर 300 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति माह है, ठीक कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भी 200 रुपये 300 रुपये है, यहाँ पे भी 200 रुपये 300 रुपये है, चीज़ें सेम है, दिखने में सेम है, कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा उसको डिटेलिंग नहीं करेंगे, बस जो टेबल बता रहा हूँ उस टेबल को याद कर लीजिए, ठीक है। आपको केवल आंसर जो ऑप्शन में आंसर देख करके उसे टिक मार्क करना है, कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, ठीक। देखिए अब समझिएगा परिवहन के अंतर्गत जो हमारे राज्य में जो सड़कें बनाई गई है उसकी लंबाई समझिएगा, नेशनल हाईवे यानी आपका राष्ट्रीय राजमार्ग उसकी लंबाई है आपका, ये कब तक की स्थिति में है 2018-19 या मार्च 2018 तक की स्थिति में समझिएगा, ये जो है नेशनल हाईवे की लंबाई है आपका 3510 किलोमीटर, स्टेट हाईवे यानी राजकीय राजमार्ग स्टेट हाईवे की लंबाई है हमारे प्रदेश में 4176 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवे यानी जिला मार्ग की लंबाई है हमारे प्रदेश में 11245 किलोमीटर। और अगला है आपका अदर यानी अन्य मार्ग की लंबाई है हमारे प्रदेश में 13902 किलोमीटर। यदि आप सभी को ऐड करेंगे तो प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई है आपकी 32833 किलोमीटर। कितनी 32833 किलोमीटर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस साल के आपके जो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे मिस्टेक है। पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, उसमें जो सड़कों की लंबाई बताई गई थी 33800 के आसपास, 33857 ऐसा कुछ डाटा था, लेकिन अप्रॉक्स बता रहा हूँ 33800 के आसपास सड़कों की लंबाई थी,
33,800 के आसपास सड़कों की लंबाई थी और अभी कितना हो गया है, 32,833 किलोमीटर। आप पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख सकते हैं, लगभग 1,000 सड़कों की लंबाई कम हुई है। गवर्नमेंट आए दिन नए सड़क बना रही है, सड़कों की लंबाई बढ़नी चाहिए। पिछले साल 33,000 थी, इस साल 32,000 हो गई है। क्या सोच करके आंकड़े चेंज किए गए हैं पता नहीं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। याद रखिएगा, सड़कों की कुल लंबाई प्रदेश में है 32,833 किलोमीटर आपके 18-19 में, वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने आंकड़े बताया हूँ सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, जो परसेंटेज वाले हैं, जो रेड कलर में जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है उन चीज़ों को स्पेशली याद कीजिएगा। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।